नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो ट्रैक हम सुनाने वाले हैं, इस ट्रैक पर आप अभी होली का टाइम चल रहा है तो होली का अच्छा खासा गाना गा सकते हैं, साथ ही आप भोजपुरी में लव सॉन्ग भी गा सकते हैं इस ट्रैक पर, क्योंकि इसका टेम्पो 112 है और स्केल इसका बी माइनर है। तो आइए पहले इस ट्रैक के मुखरा का डम्मी सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये था मुखरा का डम्मी। अंतरा का डम्मी आगे है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपके लिए जान लेना ज़रूरी है। देखिए, जो ट्रैक हम YouTube पर अपलोड करते हैं, सिर्फ वही ट्रैक हमारे यहाँ से रिलीज होगा। उसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल कंपोज करवाते हैं, चाहे सिंगर हों या स्टूडियो वाले हों, तो आपका जहाँ से मन हो वहाँ से आप रिलीज करवा सकते हैं, जो आपका पर्सनल ट्रैक बनेगा। YouTube वाला ट्रैक जो हमसे आप लीजिएगा, सिर्फ वही ट्रैक आपको मेरे यहाँ से रिलीज करवाना होगा। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पूरा चीज़ सुनते नहीं हैं, फ़ोन करते हैं सीधे कि रिलीज करना है दूसरे जगह से, तो ये नहीं होगा। जो ट्रैक आप सुन रहे हैं, सिर्फ इस ट्रैक को इसी चैनल से रिलीज करवाना होगा, क्लियर बात है। तो अगर आप इस ट्रैक पर काम कीजिए, काम करना चाहते हैं, तो इस ट्रैक के लिए आपको 500 रुपया पेमेंट करना होगा। ट्रैक आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, उस पर आप गाना किसी भी स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर लीजिए और फिर हमें मास्टर भेज दीजिए, हम यहाँ से इसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आप कोई पर्सनल ट्रैक कंपोज करवाइएगा हमसे, तो आप उस ट्रैक को कहीं से रिलीज कर सकते हैं, आपका जहाँ से मन हो, वो आपका चीज़ रहेगा, उस पर आपका कॉपीराइट रहेगा, आपको जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आप रिलीज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात है। तो सारा बात तो हम बता ही देते हैं, पिछले वीडियो में भी सारा बात बता दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है वो चीज़। और एक बात ये भी जान लीजिए कि जिस वीडियो में जो चार्ज बताया गया है, वो चार्ज सिर्फ उसी वीडियो में सुनाए गए ट्रैक के लिए होता है, ना कि उस चार्ज में सारा ट्रैक बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि इसमें जो चार्ज बताया गया है, इसी चार्ज में सारा ट्रैक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है, तो इसीलिए ये चीज़ को आप समझ लीजिए। जो ट्रैक आप सुन रहे हैं और उसमें कोई चार्ज बताया गया है, तो सिर्फ उसी ट्रैक के लिए वो चार्ज होता है। बाकी मार्केट में बहुत सारे बनाने वाले हैं जो फ्री में भी बना के डालते हैं, लेकिन बाद में क्या प्रॉब्लम होता है सो वही जानते हैं। उसका कॉपीराइट उस पर, उसका कॉपीराइट उस पर, चैनल बंद, बात ख़त्म। तो इससे अच्छा है कि या तो पर्सनल कंपोज करवा के गाइए, या अगर किसी चैनल से ट्रैक लेके गा रहे हैं तो फिर रिटर्न उसी चैनल से रिलीज करवाइए, तभी गाना आपका बच सकता है YouTube पे, ना तो स्ट्राइक जाएगा, कॉपीराइट जाएगा, गाना ख़त्म। तो आइए इसका अंतरा सुन लेते हैं, और अगर आपको इस ट्रैक पर गाना गाना है तो आप हमसे ट्रैक परचेज करके किसी भी स्टूडियो पर रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे स्टूडियो पे भी आ सकते हैं और किसी स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करवा के हमें मास्टर भेजिएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ट्रैक पर गाना लिखवाने में प्रॉब्लम होगा तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ट्रैक पर फ्रेश गाना लिखवा के दे दिया जाएगा, उसका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। गाना जाने के बाद डबिंग करके भेज दिया जाएगा, आपको जहाँ से गाना है वहाँ से गा लीजिए, गाना गाने के बाद मास्टर भेजिएगा व्हाट्सएप पे, चैनल पे रिलीज हो जाएगा। आइए अंतरा का डमी सुन लेते हैं, और उसके बाद जो है सो अगर आपको ट्रैक लेना होगा तो व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस पर संपर्क करें।